हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं प्लेट से पाइप कैसे बनाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लेट से पाइप बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को तीन चीज़ मालूम होना चाहिए। पहला, पाइप का ओडे। दूसरा चीज़, पाइप का हाइट। तीसरा चीज़, पाइप का थिकनेस कितना एम होना चाहिए। मेरा पाइप का ओडी है 1000 mm और हाइट है 1500 mm, थिकनेस है 10 mm। अब हम लोग को यहाँ पे तीनों चीज़ मैं मेंशन कर ले रहा हूँ और आप लोग देखते रहिए। ओडी मेरा 1000 mm है। दूसरा चीज़, पाइप का हाइट 1500 mm है। तीसरा चीज, पाइप का थिकनेस कितना एम होना चाहिए। पाइप का थिकनेस मेरा 10 mm है। चलिए आगे हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं और कभी भी पाइप से प्लेट बनाने का ज़रूरत हो पाइप बना सकते हैं। फार्मूला होता है पाइप ओडी इंटू 3.142 माइनस थिकनेस। फार्मूला के अनुसार आगे बढ़ते हैं। पाइप ओडी मेरा है 1000 mm इंटू 3.142 जो कि सी एफ निकालने के लिए यूज किया जाता है, माइनस थिकनेस लिख दे रहा हूँ। मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, यहाँ पे आता है 3142 mm। अब हम लोग को क्या करना है, 3142 माइनस 10 mm करना है, थिकनेस को घटाना है फार्मूला के अनुसार 3132 mm। अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि प्लेट को मार्किंग कैसे करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्लेट मार्किंग कैसे करते हैं। सबसे पहले एक लाइन में खींच ले रहा हूँ, इधर भी लाइन खींच ले रहा हूँ, एक प्लेट में बना ले रहा हूँ। उसके बाद डायमेंशन मेंशन कर दे रहा हूँ। हाइट है मेरा 1500 mm, जो मेरा लेंथ आया है 3 मीटर 132 mm, 3 मीटर 132 mm। प्लेट का मेरा थिकनेस जो है 10 mm है। आप लोग को इतना मार्किंग करके कटिंग करा लेना है और प्लेट को रेक्टेंगल में कैसे मार्किंग करते हैं, इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना कटिंग कराकर आप रोलिंग मशीन से रोल करा लीजिएगा। इसका टम्पलेट बनाते हैं, टम्पलेट कैसे बनाते हैं और टम्पलेट कैसे चेक करते हैं सही है या गलत, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में ओनली इसी टॉपिक पर बात करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इस चैनल पे पाइप फिटर एंड स्ट्रक्चर फिटर से रिलेटेड वीडियो अपलोड होगा, इसलिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँच जाए। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू फॉर एवरीवन।